हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज फिर से आ चुका हूं नए वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने गैलेक्सी सुपर यार्ड खरीदा। तो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो देख लो, ठीक है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा वो तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता ही चल गया। तो चलो, बहुत दोस्त मेरा है वो भी पूछ रहे थे और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो चलो एक काम करते हैं, चलो आज दिखा ही देते हैं कि मेरा कितना कार्स है। तो गाइस, मैंने अपने 70% कार्स का जो प्राइस है वो कैलकुलेट किया, तो उसका टोटल प्राइस है 8.5 करोड़ ऐसा कुछ। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अब लोगों को स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। तो गाइस देखो, मैं अभी हैंगर पे हूँ, ठीक है, अपना जो हैंगर है उस पे हूँ। तो यहाँ से निकलने के लिए, तो चलो एक काम करते, यहाँ से निकलने के लिए ये वाला हेलीकॉप्टर लेते। भाई ये सबसे बढ़िया हेलीकॉप्टर है मेरे पास अभी तक, और इससे भी बढ़िया आएगा वो बाद में वीडियो करेंगे। तो चलो अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग। तो तब लोगों में मैप पे दिखा दूं, ये यहाँ पर एक गैराज देख सकते हो, लेकिन ये वाला गैराज पे दो चार गाड़ियाँ है जो कि मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, यूजलेस बोल सकते हो, ठीक है। और ये देखो, ये है हम लोगों का GT5 का सबसे बड़ा गैराज, इस पर रहता है 50 कार। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम लोग पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। तो गाइस, ये सब करते करते मैं हेडफोन पहनना ही भूल गया। चलो अपना नया हेडफोन लिया है, और इस पे देखो इसका RGB भी है भाई, बहुत मस्त दिखता है। तो एक काम करते हैं, चलो तो इसको अभी यहाँ पर पहन लेते हैं। अभी भाई आवाज़ आ रहा है, अभी सही से आवाज़ आ रहा है। तो चलो चलो गाइस, यहाँ पर मैंने हेलीकॉप्टर जैसा तैसा करके रख दिया, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर का जो साइज़ है ये भी बहुत बड़ा है। तो चलो अभी यहाँ पर एलिवेटर है, एलिवेटर से हम लोग नीचे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहाँ पर ले जाऊँगा, सबसे पहले ले जाऊँगा बेसमेंट लेवल 1 पे, ठीक है। तो चलो बेसमेंट लेवल 1 पे हम लोग आ गए। तो बेसमेंट लेवल 1 पे क्या है अब लोग अच्छे से देख लो। बेसमेंट लेवल जो 1 है, इसको मैं रखा था ताकि हम लोग बस बाइक्स रख सके। तो यहाँ पर बाइक की जगह ये दोनों भी मैंने रख दिया, क्योंकि भाई ये मैं यूज़ नहीं करता, और ये मैंने सोचा कि चलो इस गैराज पे ही रखते हैं, दूर कोई गैराज पे नहीं रखते। तो सबसे पहले दिखा दो ये F88, ओके। तो इसका जो रियल लाइफ का नाम है वो मुझे भाई नहीं पता, फॉर्मूला नाम होता है लेकिन मुझे नहीं पता असली में ये कौन सा मॉडल है। ये वाला जो कार्स है इसके बारे में मुझे सच बोलूँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक बाइक है, ये है घोस्ट राइडर टाइप का दिख रहा है। सो हो गया। सो देखो, ये जो कार है ये मुझे मिला था एक स्पिन व्हील पे, ठीक है। और ये वाला देख सकते हो, ये वाला बाइक हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी अपग्रेड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो, ये वाला जो बाइक है, ये बाइक बिकना बंद हो गया, ठीक है। अभी के अपडेट के बाद गाइस, रॉकस्टार गेम्स ने बहुत सारे कार्स और बाइक्स सब कुछ हटा दिया। तो देख सकते हो, ये मेरे पास रेयर एक आइटम है। सो ये अब लोगों को नहीं मिलेगा अगर आप लोग खेल रहे हो अभी। तो देखो, ये बाइक भी अभी शायद अनअवेलेबल है। तो देख सकते हो, ज़्यादातर मेरा जो बाइक्स है वो बिकना बंद हो गया। तो चलो मेरा ही फायदा हो गया। तो देखो गाइस, ये वाला जो बाइक है, ये वाला बाइक सबसे दिखने में अच्छा है, सबसे अच्छा, लेकिन इसका जो स्पीड है ये इससे भी अच्छा बाइक ऑलरेडी है गाइस, लेकिन वो मैंने बाय नहीं किया, वो हम लोग बाद में बाय करेंगे। लेकिन ये जो है ये दिखने में बहुत अच्छा है। और इस पर देखो गाइस, अभी लाइट जलेगा और ये सबसे ऑसम है। और इसका गाइस हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला बाइक भाई अभी के लिए मेरा ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो चलो हो गया ये बेसमेंट लेवल 1। बेसमेंट लेवल हम लोग 2 पे जाएंगे। तो चलो जल्दी से यहाँ पर चलते हैं एलिवेटर पे, जाके हम लोग जाते हैं बेसमेंट लेवल 2। तो गाइस, ये बेसमेंट लेवल 2 जो कि ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन यहाँ पर 3 कार से, ओके। ये वाला कार, ये मेरा एक बहुत फेवरेट कार है, ये लेके मैं पहले बहुत खेलता था। तो ये जो है ये मैंने जीता था कार रेस पे। तो चलो बहुत बढ़िया बात है। और ये वाला जो कार है इसका नाम मुझे नहीं पता, इस पे बैठने से नाम मुझे दिखाएगा, पैंथियर नाम का ये कार है। तो ये कार भी बहुत बढ़िया है। तो ये उतना मतलब बढ़िया है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, इसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये जो है ये है RH8। सो रियल लाइफ पे भाई इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, मुझे तो GTR टाइप का दिख रहा है। और ये जो कार है ना, ये भाई एक टाइम पे फ्री पे मिलता था, तो अभी भी फ्री पे मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने स्टोर को उतने अच्छे से चेक नहीं किया, बस मैंने देखा था कि बहुत व्हीकल्स डिलीट हो गए। सो गाइज, अभी ये वाला जो हो गया, तो गाइस बेसमेंट लेवल 2 पे कुछ भी नहीं था, तो अभी चलो चलते 3 पे। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए बेसमेंट लेवल 3 पे, और बेसमेंट लेवल जो 3 है इस पे क्या क्या कार्स है, चलो अभी हम लोग दिखा देते हैं। सो गाइस देख सकते, ये जो कार है भाई ये बहुत बढ़िया कार है, और ये मैं रस्ते से उठाया था, खरीदा नहीं था, ठीक है। तो
देख सकते हो, दिखने में भाई बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा ये जी वैगन टाइप का दिखता है तो इसलिए मैंने ये रख दिया। जी वैगन है नहीं वैसे, इसका स्पीड भी काफी सही है, अच्छा है नहीं बोलूंगा, काफी सही है। और यहाँ पर देख सकते हो ये है ओबे 10F, ऐसा टाइप का नाम है, मुझे याद नहीं जीटी टाइप का जो कार है उसका नाम भाई मुझे याद नहीं रहता था क्योंकि इतना घटिया नाम होता है। सो चलो ये कार देख लिया। ये देखो रोल्स रॉयस टाइप का ये है, दिखने में ही है, परफॉर्मेंस बहुत खराब है इसका। और ये देखो गाइस ये है हम लोगों का रेंज रोवर टाइप का कार, तो ये भी दिखने में बहुत अच्छा है। और गाइस ये देखो ये जो कार है इसका नाम है कुरुमा, और ये आर्मर्ड कार है तो कोई गोली भी मारे तो हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। तो ज़्यादातर जो मेरा मिशंस रहता है तो मिशंस में इस कार पे करता हूँ। और अब लोग देखोगे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स होंगे वो भी ऐसे टाइप का एक कार लेता है जो कि आर्मर्ड होता है, तो गाइस मैं ये वाला कार यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद देखो गाइस और एक लग्जरी कार है जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिखने में रोल्स रॉयस जैसा ही दिखता है। उसके बाद गाइस देखो ये वाला एक कार है, ये भी दिखने में भाई बहुत बढ़िया है और ये भी कन्वर्टेबल है, तो देख सकते हो गाइस इसका जो साउंड है ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं अभी एक्सलेट करूंगा तो आप लोग देख पाओगे, लेकिन एक्सलेट नहीं कर सकता, हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो देखो गाइस उसके बाद है ये जो कार है भाई ये भी बहुत बढ़िया है और ये भी गाइस स्टोर से हट गया है, तो देख सकते हो ये कार दिखने में भी बहुत अच्छा है और ये एक विंटेज टाइप का कार है। तो गाइस उसके बगल में है देख सकते हो रोल्स रॉयस, और भाई ये फ्री पे मिला था, सबको ही फ्री पे मिला था। ठीक है, और मैं चाहता तो 15-20 भी खरीद ले सकता था, लेकिन भाई एक खरीदने के बाद मैं जब इसको रोड पे लेकर आया ना भाई, मतलब रोल्स रॉयस का पूरा मतलब क्या बोलूँ, कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने। रोल्स रॉयस टाइप का बहुत सारा कार इन लोगों ने बनाया है, लेकिन एक का भी परफॉर्मेंस भाई बहुत मतलब अच्छा ही नहीं, पूरा बेकार कार से भाई रोल्स रॉयस टाइप का जितना भी दिखता है। तो उसके बाद देखो गाइस उसके बाद ये एक कार है, ये कार थोड़ा बेंटली टाइप का दिखता है, इसका जो परफॉर्मेंस है ये भाई बहुत बढ़िया है, खराब नहीं बोल सकते। सो गाइस देख लिया ये सब कार्स था। और एडवेस्टमेंट जो 3 है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर 100% जो कार्स, यहाँ पर जो कार्स है ये सभी SUV टाइप का कार्स है, तो इन लोगों को मैंने यहाँ पर रखा। तो अभी टाइम है बेसमेंट लेवल 2 पे जाने का, लेकिन 2 पे हम लोग लास्ट पे जाएंगे, फास्ट हम लोग जाएंगे बेसमेंट लेवल 1 पे। ओके, तो बेसमेंट लेवल 1 पे हम लोग जल्दी से चलते हैं। 1 नहीं बेसमेंट लेवल 5 बोलना था, मैंने गलती से 1 बोल दिया। तो चलो सबसे पहले बेसमेंट लेवल 5 पे चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए बेसमेंट लेवल 5 पे, जहाँ पर है मेरा यहाँ पर स्पोर्ट्स कार्स। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर, तो गाइस देखो ये जो कार है ये है 8F, जो कि मेरा बहुत फेवरेट कार है, ये लेकर मैं बहुत घूमता हूँ, यही लेकर ज़्यादातर मैं घूमता हूँ। तो और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर और एक कार है, ज़्यादातर कार देख सकते हो मैंने थोड़ा सेम टाइप का लुक दिया है सब लोगों को, सबके पास स्पॉयलर्स है, सबका कलर थोड़ा थोड़ा सेम लगेगा, और मॉडिफिकेशन भी भाई मैंने सब कुछ का सेम करवाया है, और मुझे इस टाइप का कार बहुत पसंद है। ठीक है, और ये देखो गाइस ये देख सकते हो ये है सुप्रा, और कलर तो देख ही सकते हो गाइस, और फास्ट एंड फ्यूरियस का जो कलर था मैंने वही कलर दिया मुझे, क्योंकि वो बहुत पसंद है, तो यहाँ पर देख भी सकते हो। और गाइस उसके बाद देखो उसके ही साइड पे यहाँ पर उस टाइप का ही और एक मैंने बनाया है, और ये वाला गाइस देख सकते हैं, ये वाला जो कार है ये दिखने में भाई बहुत बढ़िया है सच में। और तो गाइस देख लिया आप लोगों ने ये सब कार्स, तो भाई कार्स देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई बहुत महंगा होता है ये, समझ लो ये तो मुझे फ्री पे मिला था गाइस, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, फ्री पे भाई बहुत बढ़िया चीज़ मिल गया था मुझे, तो ये भी रेस से मिला था, तो आप लोग देख ही सकते हो। और गाइस इसके पीछे का साइड पे ये क्या है ये भाई मुझे नहीं पता, यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है ये नीचे इसके पीछे जो कवर हो गया है ये क्या चीज़ है मुझे गाइस नहीं पता, अब लोग अगर पता होगा तो कमेंट पे ज़रूर बता देना। चलो गाइस ये बेसमेंट लेवल 5 तो आप लोगों ने देख ही लिया, अभी बेसमेंट लेवल 4 पे ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को सुपर कार से नहीं दिखाया, मेरा जो सुपर कार है सब वहीं पर है। तो चलो जल्दी से हम लोग जाते हैं बेसमेंट लेवल 4 पे। तो गाइस हम लोग आ गए बेसमेंट लेवल 4 पे, जो कि है हम लोगों का लास्ट फ्लोर। सो चलो ये वाला जो बेसमेंट लेवल 4 है, यहाँ पर कार्स हम लोग देख ही सकते हो, बहुत बढ़िया कार्स है। और गाइस देखो मेरा ये जो जितने भी कार्स है भाई सब मेरा फेवरेट है सब, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो है लैम्बोर्गिनी। तो भाई ये जो कार है इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने ही चूज़ किया है, और भाई ये सच बोलूँ भाई दिखने में ही बढ़िया है, इसका परफॉर्मेंस भी बोलने का मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बहुत बढ़िया कार है, और ये लेके भाई मैं बहुत घुमाऊँ।
उसके बाद गाइस साइड पे उसके साइड पे और एक स्पोर्ट्स कार से आप लोग देख सकते हो, और इस पे मैंने एक हल्का पिंक कलर का फिनिश दिया है जो कि भाई दिखने में बहुत बढ़िया लगता है, और इसका साउंड भी आप लोगों ने सुन ही लिया अभी, इसका साउंड भी भाई बहुत बढ़िया है। उसके ही बगल पे गाइस ये है हम लोगों का लैम्बोर्गिनी, इसको क्या बोलते हैं लैम्बोर्गिनी वो वाला जो था वो उस वाला को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लैम्बोर्गिनी का भी बहुत हिस्सा होता है जो एसयूवी टाइप का होता है वो है उरुस, तो वो वाला मुझे भाई मेरे गेम पे है लेकिन दूसरे गैराज पे, वो बाद में कभी दिखाएंगे। और इसका भी आवाज़ आप लोगों ने सुन ही लिया कि भाई बहुत बढ़िया आवाज़ है, चलो और एक बार सुना देता हूँ इसका आवाज़। सो गाइस सुने लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया आवाज़ है। तो चलो ये वाला कार तो हो गया, उसके बाद देखो गाइस ये है लैम्बोर्गिनी टर्जो टाइप का दिखने वाला है, लेकिन टर्जो है नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। और ये वाला जो कार है गाइस इसका इसका स्पीड बहुत बढ़िया है, मतलब अभी तक मैंने आप लोगों को जितने कार दिखाए सबसे ज़्यादा स्पीड इसका है। तो गाइस ये कार सच में बोलूँ बहुत स्पीड है, लेकिन ये दिखने में भाई मुझे सच बोलूँ तो उतना पसंद नहीं, क्योंकि इस पे हम लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते। बहुत सारे कार्स हैं जिसपे हम लोग बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये वाला कार मुझे उतना पसंद नहीं। और सो गाइस उसके बाद देखो उसके बाद ये वाला आता है, और ये वाला भाई मुझे याद नहीं मैंने कब खरीदा था, और इसका साउंड भी भाई बहुत बढ़िया है, और ये मैं बहुत पहले लेकर खेलता था, उसके बाद मैंने ये लेकर ही नहीं खेला। सो गाइस ये तो हो गया, उसके बाद देखो उसके बाद ये जो कार है ये भी भाई बहुत बढ़िया है, और भाई जितना बढ़िया है ना उतना ही प्राइस है इसका, तो इसका जो साउंड है उस उतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल साउंड है, लेकिन इसका स्पीड बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद देखो गाइस ये है मैकलरन टाइप का दिखने वाला कार है, ये जो कार है इसका भी भाई बहुत स्पीड भाई इनफ है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं जितना उसका था और उस वाले सबका था उतना नहीं है, लेकिन इसका जो स्पीड है भाई मतलब खेलने के लिए बढ़िया है। सो चलो गाइस उसके बाद ये वाला जो कार है ये कार मैंने रिसेंट खरीदा, क्योंकि गाइस ये अभी अभी आया है स्टोर पे, तो चलो ये वाला जो कार है ये भी बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, दोस्तों को लेकर नहीं घूम सकता क्योंकि ये सिंगल सीटर कार है, और इसका जो साउंड है वो भी भाई उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन भाई स्पीड के मामले में इसको कोई नहीं हरा सकता अभी के लिए। तो उसके बाद देखो भाई ये तो देख ही सकते हो हम लोगों का बुगाटी है, वो भी गोल्डन स्ट्राइप के साथ, तो बुगाटी भाई दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन GTA 5 पे बुगाटी जो इन लोगों ने बनाया है बहुत बेकार है, क्योंकि हम लोग स्पॉयलर नहीं लगा सकते, और मैं एक सच बात बताऊँ तो गाइस मुझे स्पॉयलर बहुत पसंद होता है किसी भी कार को, ठीक है, तो वो वाला जो कार मैंने अभी दिखाया मैकलरन उसमें हम लोग स्पॉयलर नहीं लगा सकते, इसलिए भाई मुझे उतना पसंद नहीं है वो वाला कार। तो गाइस ये जो लास्ट वाला कार है, ये वाला जो कार है ये कार सबसे ज़्यादा महंगा है, मैंने अब लोगों को जितना कार दिखाया इसका जो प्राइस है ये सबसे ज़्यादा है, और गाइस ये वाला जो कार है इसका जो प्राइस है इसका इस अकेले का ही प्राइस भाई 20 से 25 लाख ऐसा ही कुछ पड़ा था, सो समझ ही सकते हो 20 लाख डॉलर मतलब कितना होता है। तो चलो गाइस आज ये कार हम लोग गेम खेलते खेलते चलाएंगे, तो चलो तो गाइस देख सकते हो ये वाला जो कार है ये भाई ये मेरा सबसे सच बोलूँ तो ये मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। तो चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, कमेंट करना, और क्या क्या टाइप का वीडियो आप लोग को चाहिए वो आप लोग बताना, और हाँ GTA 5 का एक सबसे बढ़िया हेस्ट होता है कायो पेरिको हेस्ट, तो चलो वो वाला हेस्ट आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो चलो गाइस आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो को तो लाइक करना ही, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।